कहीं भी संभाल पता नहीं कैसे ढूंढ देते हैं। मैंने टिप्पन के नीचे से बैठा और टिप्पन के ऊपर वहां भी देख लिया। छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा दो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं रेवती सिस्टर के वहाँ से। अभी बजे शाम के 4, तो रेवती मैम ने डिसाइड किया कि अभी हम नींबू बनाते हैं। अभी सब लोग आए हैं नींबू खाने के लिए, और नींबू खाने के बाद हल्की हल्की भांग सबको चढ़ने लग गई है। अभी आप सबको दिखाते हैं भांग का नशा। भले शाम होने लग गई है, लेकिन नींबू होता ही इतना अच्छा है, तो हम किसी ने भी शाम का इंतजार नहीं किया और सबने सोचा कि नींबू खाते हैं साथ में मिलके बहुत अच्छा होता है। और सभी लोगों ने अभी ले ली नींबू की पार्टी। ये पीछे साइड का व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए, कितना प्यारा व्यू है। और हमारे हॉस्पिटल के पीछे साइड से हमारा बैराज झील का व्यू कुछ इस तरह से है। कैसा हुआ है? हमारे माल्टे आए हैं मैम के वहाँ से, दिल्ली से आई है मैम। हाँ, माल्टे मैडम लाए हैं अनुजा मैम। और नमक आया है हमारा रानी खेत से, ये सिलबट्टे में पीसा है मंजूस इसकी सिसने। संतरे आए हैं दिल्ली से, नजदीक के तो संतरे हम खा नहीं पाते हैं। हम कोई तो गरुड़ के, हल्द्वानी के ऐसे नहीं खाते, हम तो दिल्ली वाले संतरे खाते हैं। गुड़पट्टी भी वहीं से मंगा लेना, मैंने उस दिन हमने संतरा अभियान, मैम की मम्मी यहाँ से भेजते हैं संतरा। मम्मी नहीं भेजती मेरी, कौन भेजती है? कहाँ दीदी और बुआ भेजते हैं मैम के दिल्ली से। आज फिर है हमारे यहाँ लेमन पार्टी, और अभी यहाँ पे नींबू बना रहे हैं। और मैम लोगों ने तो खा लिया, तो खा लिया है, और हम बहुत चटकारी लेके खा रहे हैं। दोस्तों जो देख रहे हो तुम भी खा लो, मजा आ गया। भांग मिली भांग। और क्या कहना चाहोगे? और अभी थोड़ी देर में दिमाग चलेगा तब बताएंगे। यहाँ पर बैठे हम अरे सर यहाँ पर ही बैठे हैं। ये देखो मेरी सर को भी जुकाम लगा, ये मेरी सिस की डेगची डेगी बनाया है सर। बाहर को तो आइए, गेट से बाहर। जब भी यहाँ नींबू पार्टी होती है तो पूरा स्टाफ खाता है, चाहे थोड़ा थोड़ा पहुँचे, सबको बुलाते हैं। रेवती सिस्टर के वहाँ लगने वाला है अभी डीजे, और सब लोग झूमते हैं। Oh
चलो चलते हैं, अभी बाय हैं। अब मैडम लोग तो कपड़े भी उठाने लग गए, हम भी चलते हैं अब थोड़ी देर में, थोड़ा चाय घर को। अभी मैम कुछ दे रहे हैं, क्या है? वाओ, लेमन, कल दाल में डाल के खाएंगे। अभी हम ड्यूटी से अब घर को जाने लग गए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। बाय बाय, कल मिलेंगे। मैं तो अभी घर में मिलूंगी आपको, एंडिंग अभी घर में करूंगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, अब बनाती हूँ चाय। दोसा जी तो अभी दुकान में बिजी हैं, वहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो मैं और ममता पीते हैं अब चाय, क्योंकि चाय अकेले नहीं पी जाती। अभी सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से, और बस बच्चे लोगों ने भी ऐसे ही खा पी के ऐसे ही लगाई है लाइन बर्तनों की। अभी अब फटाफट पहले बनाते हैं चाय, जो जहाँ है वहीं है, क्योंकि बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, सुबह मुझे भी जल्दी जल्दी हुई रहती है। तो अब फटाफट करती हूँ घर का काम, और साथ साथ में बनाती हूँ चाय। ऐसा ही होता है साथियों वर्किंग वुमेन का, सुबह फटाफट दौड़ो, फिर घर आओ, फिर काम। ममता छिल रही है अदरक, कपड़े भी फिर बदलेंगे, थक के आए हैं। ममता आज जरा पहले आ गई थी ड्यूटी से, और मैं बनाती हूँ चाय। और मुझे पता है अपना ये अस्त व्यस्त किचन दिखाने में ना कोई शर्म नहीं लगती, अब क्या शर्माना। अब आप भी अपने अपने हैं और प्रॉब्लम समझते हैं, रोज सुबह भागा दौड़ी, और यही तो है, कहते तो है ना, मतलब औरतें मतलब कभी भी मतलब बिल्कुल चैन से नहीं रहते, घर में काम बाहर काम, लेकिन साथ साथ एंजॉय भी करते हैं, जो कि आप मेरे ब्लॉगों के माध्यम से देखते रहते हैं। बस फटाफट मैं और ममता पीते हैं चाय। ममता लाई है, क्या लाई हो ममता तुम? अदरक लाई हो, और नमकीन भी तो लेके आए हो। नमकीन भी लाई है, नमकीन और चाय पीते हैं। हाँ, ममता और मैं पीते हैं हम नमकीन और चाय। ममता भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब मैं कपड़े बदल, पहले चाय पियेंगे हम दोनों जने, और थोड़ा थोड़ा गप्पे सप्पे मारेंगे, उसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े बदलूंगी, ममता मेरी सब्जी काट देती है, आटा आटा गूंदेंगे। हाँ, भाभी की हेल्प कर देती हूँ। हाँ यार, बहुत कर देती हूँ, बहुत बिजी है।
बिजी तो क्या हूँ फिर वैसे ही और लग जाता है फिर आने में। हाँ कर देती हैं बिल्कुल एक ननद की तरह, जैसे एक ननद करती है वैसे ही कर देते हैं वो। सब्जी वब्जी काट देंगे फिर। आज से हमने डिसाइड किया है, मैं होगी, ममता होगी नीचे पे, राजू सर की मम्मी हो गए और एक वो क्या कहते हैं मंजू, चार लोगों ने 8 बजे तक अपना किचन का काम फिनिश करके हम थोड़ी थोड़ी देर वॉक पे जाएंगे क्योंकि बहुत मोटे हो गए हैं। आप भी कहोगी बिना बिंदी के, मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई है, पहनी भी नहीं है। ये आई हमारी चाय, ये है मेरी वाली फुल और ममता की कम, और ममता लाई है ये नमकीन, अब चाय के साथ खाते हैं नमकीन। भाभी आज सब्जी क्या बना रहे हो आप? सब्जी मैं तो पालक भी लेके आई हूँ और गोभी लाई हूँ। अच्छा। पालक हो गए ये ना 25 के दिए मुझे, 2 25 के 2 दिए, ठीक है 25 के 2 ठीक है, गड्डी ठीक है, मोटी है ना ये, ठीक है मोटी गड्डी है ना। हाँ इनका कल कापा बनाएंगे ना, कापा भान। हाँ। और लाई हूँ, क्या लाई हूँ, गोभी और टमाटर लेके आई हूँ। हरी मिर्ची भी दे रखी है, गोभी टमाटर हरी मिर्ची ये लेके आई हूँ, अभी बनाते हैं गोभी और टमाटर। हाँ। आप काट दोगे फटाफट? हाँ, मैं आटा गूंदूंगी बस, फिर घूमने भी तो जाना है। हाँ जल्दी जल्दी करते हैं। चलो फिर अब पीते हैं हम चाय। हाँ ठीक है चलो। अब ममता और मैं काट रहे हैं सब्जी। कल बनाएंगे हम लोग पालक का कापा, और अभी ममता और मैं इसको छान लेते हैं, और छान लेते हैं लेकिन काटेंगे कभी, क्योंकि पालक में बहुत जल्दी पानी आ जाता है तो खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा छान लेते हैं। देर भी हुई रहती है ना। हाँ जो ये पीले पीले पत्ते हैं ना इनको निकाल देते हैं इसमें से, ठीक है। और बाकी तो भाभी तुम कल सुबह बनाओगे ना इसको? हाँ कल सुबह बनाएंगे इसको, थोड़ा मेरे को भी देना। हाँ 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 कल देंगे। हाँ हाँ मैं आऊंगी लेने के लिए, आप बना बना के रख लेना, मैं ले जा लूंगी खुद ही। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा बनाना, वैसे आप अच्छा ही बनाते हो। हाँ खुद भी बनाते हो, अच्छा ही लगता है आपका तो। पता है मैं तो बबाल टाइम में बनाती हूँ, लेकिन ना लालू चाचा भी कहते हैं हमारे कि तुम कुछ भी बनाते हो जैसे, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हैं, कुछ भी बनाते हो तो अच्छा होता है कहते हैं। अच्छा बनाते हो आप, आपके ना हाथ में स्वाद है। लेकिन मैं सब बबाल टाइम में बनाती हूँ, आँख बंद कर करके, मतलब मतलब जैसा भी बनता है वो तो पता नहीं, लेकिन खाने में अच्छा ही होता है। चाय भी जैसा बनाते हो ना अच्छी बनाते हो। ऐसी बनाती हूँ यार, अच्छा लो बनाते हो। थैंक यू। मेरा मन करता है। शाम को थोड़ी थोड़ी देर काम करते हुए ममता तो अकेली भी, तो ममता आप सब्जी काट के आ गई ना? हाँ, मैं तो सब्जी काट के आ गई, मैं हाँ? तो सब करके आती हूँ यहाँ। हाँ तो फिर थोड़ी हेल्प मेरी कर देते हैं, और मुझे भी अकेले पन का एहसास नहीं होता। और पता है जैसे हमारे पड़ोसी हैं और जो हमारे किराएदार होते हैं, अगर हम उनसे ना मिलजुल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। समय हाँ। कब निकल गया पता ही नहीं लगता ना, एक फैमिली जैसा ही। क्योंकि अब जो हमारे जैसे मेरी मम्मी लोग ही हैं, मेरी सास लोग हैं, कभी कभी आते हैं, मेरी देवरानी वगैरह, लेकिन जैसे आप हम साथ में हैं तो मतलब एक बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा समय व्यतीत हो जाता है ना यहाँ तो, अच्छा लगता है। जैसे आप लोग हो ना तो बिल्कुल घर जैसा लगता है, मतलब जैसे हम लोग दूर है घर से, लेकिन आप लोग एक परिवार की तरह रहते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे घर का जैसे कमी महसूस टाइप की नहीं होती। और ना क्या कहते हैं हॉस्पिटल में भी ना इतना अच्छा स्टाफ है हमारा, मतलब बिल्कुल ये नहीं लगता जैसे हमारी जैसे डॉक्टर मैडम है, जैसे सपना मैम है, हमारी रश्मि मैम है और पीएल मैम है, जैसे उतने ही बड़े डॉक्टर है ना, लेकिन वो कभी अपने को मतलब ये नहीं समझते कि हम इनसे इतने बड़े हैं, कोई अहम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ये तो है। हाँ सभी लोग मतलब इतने मिलजुल के रहते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो आराम से नौकरी होती है, ऐसे प्रेशर में नौकरी कहाँ होती है। और आपके ऑफिस में कैसा है फिर? हमारे ऑफिस में भी अच्छा है, लेकिन अब कोई लड़कियां तो है नहीं, इसलिए हम ऐसे इस टाइप की मस्ती कम ही करते हैं। हाँ। क्योंकि लड़कियां एक मैं ही हूँ वहाँ। हाँ। बाकी सब लड़के हैं। हाँ। बाकी हम लोग हैं 3 ही 4 का स्टाफ है, हम ज्यादा लोग भी नहीं है, 4 लोग हैं, एक मैं लड़की हूँ, 3 लड़के हैं। अच्छा तो मतलब वैसे तो हेल्पिंग है, लेकिन वैसे तो हेल्पिंग है, लड़के जो है पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लड़कियों में और लड़कों में थोड़ा अंतर जाने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा वो जैसा हो जाता है ना। वैसे अच्छे हैं वो भी। हाँ। मुझे तो बहुत सपोर्ट करते हैं।
हमारे भी सब स्टाफ वाले इतने अच्छे हैं, सर लोग भी इतने अच्छे। आजकल हमारे कांड पार सर है ना, तो वो हमारे बीपीएम सर है, तो उनके पाँव में मोच आ गई है। अच्छा। तो वो नहीं आ रही, जैसे जब हम ऑफिस में जाएंगे तो उनसे बोलना थोड़ा, जैसे हेलो हाय करना, और उसके बाद थोड़ी देर अपनी बंद हो गया। हाँ, घर की आसल कुसल पूछना, उसके बाद सीधे रूम में, मतलब अच्छा लगता था। आजकल सर नहीं है तो जरा बुरा जैसा लग रहा है। और हाँ, भरड़ा भैया भी कह रहे थे, एक भरड़ा भैया और वो साथ में बैठते हैं, वो भी कह रहे थे मुझे भी बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने कहा चलो फिर एक दिन मिलाते हैं संडे को उनसे करके, तो फिर कह रहे थे भरड़ा भैया सोमवार से आ जाएंगे करके। पाँव में होने को उनके उंगली में प्लास्टर हुआ है, लेकिन अब फिर आई जाएंगे कह रहे थे। वो होता ही है ना, जैसे स्टाफ में कोई ना आए तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ। सब लोग आए तो अच्छा लगता है। हाँ। हमारे यहाँ भी जब कोई नहीं आता ना, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। आज मैं भी क्या करती, वहां जा रही थी अपनी दोस्त से मिलने एक बार, बिमला से, वो घर आ गई है। फिर ऐसे ही हो गया, हम 4-5 बजे तक ऑफिस में ही रह गए। तो कहीं भी सवाल पता नहीं कैसे टोक देते, मैंने टिप्पण के नीचे से बैठा, टिप्पण के ऊपर वहां भी देख के। देखो दो साज जी की बन गई अभी स्पेशलिटी। उस समय दुकान में बहुत भीड़ हुई थी, तो उन्होंने अभी अपने लिए अलग से बना दी गडमर चाय, और खा रही है साथ में बिस्किट। कौन सी बिस्किट खा रही हो दो साज जी? पचानी। क्या नाम है? पचानी करना है, जौ के बिस्कुट। अच्छा, जौ के बिस्कुट। अच्छा दो साज जी, जरा बता दो आपने फिटनेस का राज प्लीज। हाँ, क्या करते हो बताओ दो। तो 7,900 कदम चल चुका हूँ सुबह से। कैसे? घड़ी के हिसाब से। अच्छा, देखो घड़ी के हिसाब से चलते हैं। तो साजी कहते हैं मैं इतना चला, मैं सोचती हूँ ये घड़ी में है कैसे चलते होंगे, कभी छत में और कभी अंदर बाहर दौड़ते रहते हैं। अच्छा, यही है आपके फिटनेस का राज। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।